पत्रकारिता की आड़ में धमकी और ठगी के धंधे कई ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहीं आज प्रदेश के हर जिले में फर्जी पत्रकारों की संख्या बढ़ती जा रही है और इससे पहले भी उधम सिंह नगर से ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे फर्जी पत्रकार सलाखों के बाहर आ जाते हैं। वहीं पिछले कई सालों से ऐसा सिलसिला जारी है। इससे पहले हल्द्वानी में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें उधम सिंह नगर के फर्जी पत्रकार को वसूली करते पकड़ा गया था और अब उधम सिंह नगर से एक मामला फिर सामने आ रहा है जिसमें जिला विकास प्राधिकरण के नाम पर अवैध वसूली के आरोप में पुलिस ने दो कथित पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने खुलासा करते हुए बताया कि डीडीए के सचिव एनएस नबियाल ने उन्हें तहरीर सौंपी थी। नकली दस्तावेज बनाकर अवैध वसूली के आरोप में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं इस मामले की जांच एसएसआई अर्जुन गिरी कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने गांधी कॉलोनी निवासी दिव्यांग सलीम खान और मूल रूप से शेखपुरी मेरठ और हाल निवासी भूत बंगला और वरुण को गिरफ्तार किया। यही नहीं, उसके पास से डीडीए के नाम पर अकबर टूल्स, नकली नोटिस, दो मोहर, 9 लिफाफे और 12,000 रुपए, घटना में प्रयुक्त एक बाइक और एक व्हील चेयर बरामद की गई। वहीं एसएसपी ने बताया कि दोनों आरोपी शातिर अपराधी हैं, वो पत्रकारिता की आड़ पर वसूली करते हैं। इन दोनों का आपराधिक इतिहास है। सलीम पर 9 और अनुर पर 3 केस दर्ज हैं और इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है जिसके बाद उन्हें हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा।